हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैन पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्यारे बच्चों, और ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर पूछने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आप चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और ध्यान देना आज की वीडियो आपके लिए जो है एग्जाम में 5 नंबर जरूर बनना है प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो भाई टॉपिक क्या है आज की? टॉपिक है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र। ये जितना पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के सूत्र के नाम से नहीं जाना जाता, उतना लेंस मेकर सूत्र के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। लेंस मेकर सूत्र क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि इसी सूत्र के आधार पे, इसी फार्मूले के आधार पे कोई भी जो लेंस होता है वो निर्माण किया जाता है। इसी सूत्र का उपयोग करके कारखाने फैक्ट्रियों में लेंस का निर्माण किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लेंस मेकर सूत्र की बात कर लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले डायग्राम बना के रखा है। यहां पर आपको एक उत्तल लेंस बनाया गया है, देख रहे होंगे कि भाई यहां तो हम ये नहीं कह सकते कि यल जो उत्तल लेंस है वो काफी पतला है, ये खा पी के एकदम स्वस्थ हो चुका है। और बनाया किसने आप जान ही रहे। तो गाइस देख सकते हैं कि यल एक उत्तल लेंस है, काफी पतला होता है जिसकी मोटाई टी है। यल जो है काफी पतला लेंस होता है जिसकी मोटाई क्या होती है? टी होती है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है कि इसका जो वक्रता प्रकाशिक केंद्र है वो सी है, और इसके जो ध्रुव है वो P1 और क्या है P2, P1 और क्या है P2 है। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र सी से U दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O है। कोई बिंदु वस्तु क्या है? O है। बात ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, बिंदु वस्तु क्या है? O है। अब O से चलने वाली प्रकाश किरण जब L लेंस के पहले पृष्ठ पर आपतित होती है, L लेंस के पहले पृष्ठ पर क्या होती है? आपतित होती है। तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है प्यारे बच्चों, वो I1 बन जाता है। आभासी प्रतिबिंब क्या हो जाता है? I1 बन जाता है। अब जो ये I1 प्रतिबिंब बनता है, ये इस पृष्ठ के लिए, ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करने लगता है, और जिससे इस I1 का जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है, और जिसकी दूरी जो है प्रकाशिक केंद्र से V पर है। ठीक इतनी ही बात आपको लिखना है। और मान लेंगे, माना इनकी पहले पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो R1 है, और दूसरे पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो R2 होगी। एक बार फिर से हम समझते हैं कि माना L जो है कोई एक पतला लेंस है। ऐसे लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, उत्पत्ति में आपको ये चीज लिखना पड़ता है कि माना L कोई एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई क्या है? T है, और जिसका प्रकाशिक केंद्र क्या है? C है। अब प्रकाशिक केंद्र से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O है। O से चलने वाली जो प्रकाश किरणें है वो L1 लेंस पर जब आपतित होती है प्यारे बच्चों, तो L1 लेंस पे आपतित होने के पश्चात, L1 लेंस के पहले पृष्ठ से अपवर्तित होने के पश्चात बिंदु I1 पे जाके क्या हो जाती है? प्रतिच्छेदित करती है। फिर एक प्रकाश किरण यहां से जा रही है, वो I1 पे जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो I1 होता है। परंतु ये जो I1 है प्यारे बच्चों, इस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु की तरह क्या करता है? कार्य करने लगता है, जिसके कारण इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, जिसकी जो दूरी है प्यारे बच्चों वो प्रकाशिक केंद्र से V दूरी है। कितनी है? V दूरी है। ध्यान देना, लेंस के दोनों तरफ अपवर्तनांक N1 है, और लेंस के अंदर का अपवर्तनांक क्या है? N2 है। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 होगी, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? R2 होगी। तो प्यारे बच्चों जो जितनी चीजें हमने आपको बताया है, सारा चीज आपको यहां पर लिख कर दिखाई पड़ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप उत्पत्ति लिख सकते हैं, या अगर आप समझे हैं तो स्वयं से जो आपने बनाया होगा उत्पत्ति वो आप मैच करा सकते हैं कि आपके मैच कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको यहां पर सारा चीजें लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, तब हम चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। ठीक, अब बातें करेंगे इनकी डेरिवेशन की। तो अगर हम बात करें सबसे लेंस के पहले पृष्ठ के लिए, लेंस के पहले पृष्ठ के लिए बात करेंगे। ठीक, लेंस के पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। ठीक, अब हमने अपवर्तन का फार्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों,
इससे पिछले वाले क्लास में हमने लेंस के द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? अपवर्तन का सूत्र हमने बताया था, यदि आपको याद होगा तो एन टू बटे वी माइनस एन वन बटे यू बराबर क्या था? एन टू माइनस एन वन बटे क्या था? इसी फार्मूले की मदद से आज हम दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब जब बात आएगी पहले पृष्ठ के लिए तो आप n1 में से n2 में जा रहे हैं, किसमें से? n1 से n2 पर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ये v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है प्यारे बच्चों। तो जब आप n1 से n2 में गए, यानी जब आप n1 से n2 में प्रवेश किए हैं, तब जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब कहां है प्यारे बच्चों? आई वन पे बना है। कहां पर बना है? I1 पर बना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? तो हम वहां पर ये कह सकते हैं, ये बात यहां पर कह सकते हैं कि जो यहां पर ये V है, V के स्थान पे यहां पर V1 आएगा और जो U है वो आपका U रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो उस फॉर्मूले की मदद से लिखें तो N2 बटे क्या हो जाएगा? N2 बटे V। V जो है, देखिए इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां I1 पे बन रहा है और I1 की जो दूरी है कितनी है? V1 है। हम यहां पर रखेंगे N2 बटे क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ठीक, माइनस N1 बटे U, N1 बटे U, तो U के स्थान पे आपका U ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर फार्मूला था N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 बटे R। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है। समीकरण नंबर क्या बन गया प्यारे बच्चों? एक। यहां तक नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे लेंस के दूसरे पृष्ठ से। ठीक, तो गाइज अब हम बात करेंगे लेंस के दूसरे पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन ना। तो अब हम ध्यान देंगे कि लेंस के दूसरे पृष्ठ में हम N2 से N1 में जाएंगे, अर्थात कांच के अंदर से बाहर की तरफ निकलेंगे। इस बात को ध्यान देंगे तो भैया अब क्या होगा? यह इस फॉर्मूले पे लगाएंगे N2 बटे V। N2 बटे क्या हो जाएगा? V। तो N2 के स्थान पे क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर तक हम लोग N1 से N2 में जा रहे थे तो N2 पहले लिखते थे, अब हम N2 से N1 में जा रहे हैं तो भैया N1 बटे V। V है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पे बन रहा। देखिए I पे बन रहा, तो I के स्थान पे भैया I के बीच की दूरी है V। बात समझे आप? माइनस N2 बटे U। U क्या होता है? वस्तु की दूरी। क्या होती है प्यारे बच्चों? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी कौन है? वस्तु तो I1 काम कर रहा है। I1 की दूरी कितनी? V1 है। बराबर फॉर्मूले में क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान से, N1 माइनस N2 बटे R2। ठीक, अब आप देखिए प्यारे बच्चों, एक स्टेप इसे हम और हल करना चाहते हैं। N1 बटे V माइनस N2 बटे V1 और बराबर, यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आगे N2 आ जाएगा, क्योंकि N2 आपका प्लस हो जाएगा और N1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये R2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? समीकरण नंबर दो। समीकरण एक और दो को हम देते हैं जोड़। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, अब समीकरण एक और दो को आप जोड़ दीजिए तो समीकरण एक कौन है? ये है N2 बटे V1 और माइनस N1 बटे U प्लस, समीकरण दो ये है N1 बटे V माइनस N2 बटे V1 बराबर। समीकरण एक में ये है N2 माइनस N1 बटे R1, प्लस है परंतु माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, N2 माइनस N1 बटे R2। ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे कि प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा, देख रहे हैं? अब हम पहले प्लस वाला पद लिखेंगे तो N1 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर उधर N2 माइनस N1 बटे R1 माइनस N2 माइनस N1 बटे R2। अब यहां N2 माइनस N1 कॉमन है, यहां N1 कॉमन है, तो प्यारे बच्चों जैसे ही आप यहां से N1 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 अपान V बचेगा, यहां 1 अपान U बचेगा और इधर N2 माइनस N1 जब आप कॉमन लेंगे इधर तो आपके पास क्या बचेगा? 1 बटे R1 बचेगा और माइनस 1 बटे R2 बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए अब तक। अगर अभी तक नहीं दिक्कत है तो आप एक बार
जबरदस्त इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। अब यन1 को हम इधर की तरफ भेजेंगे तो यन1 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यन1 इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाग, क्योंकि इधर गुणा के रूप में है। तो चलिए अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, इधर की तरफ तब बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर। अब जब आप n1 इधर जाएगा तो इसके भी भाग होगा, इसके भी भाग होगा, तो n2 बटे क्या हो जाए n1, और माइनस यहां n1 है तो n1 बटे क्या हो जाएगा n1, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। और अगले कोष्टक में क्या है, 1/r1 माइनस 1/r2, बात क्लियर हो रही है यहां तक। अब आप देखिए n2 बटे n1 नहीं तो ये तो आपका कैंसिल होके एक हो जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा, चूंकि n2 बटे n1 यानी पहले माध्यम का प्रतिनांक और दूसरे माध्यम का प्रतिनांक हम n से व्यक्त करते हैं, स्नेल के नियम हमने देखा था, अर्थात हम यहां n लगा सकते हैं, तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा n-1, कोष्टक में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हो गई? तो समीकरण नंबर इसे आप 3 दे दीजिए, ठीक। अब हम जानते हैं लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से प्यारे बच्चों, लेंस का सूत्र क्या कहता है, लेंस का सूत्र कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समीकरण नंबर 4। अब देखिए आप समीकरण 3 और 4 का देखिए, तो ये वाले पक्ष बराबर हैं, अर्थात 1/v माइनस 1/u के स्थान पर हम 1/f रख सकते हैं। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर हम 1/f रख देंगे, 1/f, 1/f बराबर क्या हो जाएगा n-1, कोष्टक में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये जो सूत्र आपका प्राप्त होता है इसे ही हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र, जहां r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं और n अपवर्तनांक है पहले दोनों माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और एफ क्या है, फोकस दूरी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो इंपॉर्टेंट हेडिंग थी वो आपकी यहां पर समाप्त होता है। आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, और आई होप कि अगर आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, तो अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखना ये मत भूलिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर कहीं डाउट हो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।